हेलो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी कि जो लोग मन से दिल से सच्चे होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, जो लोग मन से सच्चे और अच्छे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। जैसे उनके अंदर दया, करुणा, प्यार बहुत ज़्यादा भरी होती है, समझे दोस्तों, जिसके कारण वो हर एक इंसान को भी अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसा ही अच्छा, प्यारा और दयावान समझते हैं और अच्छा ही अच्छा करते हैं उनके साथ। ये लोग ईगोलेस होते हैं, इनमें बहुत विनम्रता होती है और इनमें ईगो नहीं होता है, और गलती सामने वाले की भी हो तो यह सॉरी तो भी यही सॉरी बोलते हैं कि सामने वाला हर्ट ना हो और बुरा ना मान जाए, तो सामने वाले की गलती होती फिर भी यही सॉरी बोलते हैं बार बार। दूसरों की गलती होने पर भी खुद झुकते हैं, बार बार सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो लोगों को उनसे और ज़्यादा उम्मीदें होने लगती है और यह लोग उनकी हर उम्मीद को पूरा कर देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर देते हैं, तो इससे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। और अगर किसी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए तो बस वहीं से उनका बुरा समय शुरू हो जाता है और वही लोग उनको बुरा भला, उनकी निंदा और चुगली करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, और वहीं से अच्छे लोगों के जीवन में बुरा दौर शुरू हो जाता है। अच्छे लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, सबकी मदद करते हैं और लोगों को उनसे यही उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं किसी इंसान से तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार शुरू करना हम उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यही से अच्छे लोगों के साथ बुरा होने लगता है, और जो लोग चंट होते हैं, चालाक होते हैं और थोड़े बुरे होते हैं, वो हमेशा एक लिमिट बना कर रखते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बस बस वो लोग अपना ध्यान रखते हैं और खुद पर ही फोकस करते हैं, और उन लोगों को अच्छा कहा जाता है, बोला जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ लिमिट से करते हैं कि मुझे इतना ही देना है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे अपना भी तो देखना है, खुद के लिए करना है। ये लोग पहले अपना देखते हैं दोस्तों, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं सोचते, वो अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं और लोगों को उम्मीदें इसी से बढ़ जाती हैं, और वो जहाँ वो पूर उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते वहीं पर लोग उनकी चुगली, उनकी निंदा और उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है दोस्तों, उनका तो ये व्यवहार ही है। अब हम करें क्या, किसी किसी का दिल ही इतना अच्छा होता है तो अब क्या करें। जो लोग आपसे उम्मीदें पाले हुए हैं उनसे कैसे आप डील करें। दोस्तों, आपको जिस काम को करने में अच्छा लग रहा है आप उस काम को कीजिए, लेकिन अगर उस जगह से जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उस जगह से आपको निंदा, ग्लानि हो रही है, तो उस जगह से फोकस हटा कर सारा फोकस खुद पर ले आएं और अपने बारे में भी सोचें, समझें आपको आगे क्या करना है, उस पर भी ध्यान दें दोस्तों।
दोस्तों, जिस इंसान को जो सोचना है उसे सोचने दे, जिस इंसान को जो बोलना है उसे बोलने दे, जिसको आपको जवाब देना है उसको आप जवाब दें, जिस समय आपको चुप रहना है उस समय आप चुप रहें, लेकिन खुद की इज्जत करना शुरू करें। आप लोगों के लिए अच्छा करना है तो करें, लेकिन खुद के लिए भी अच्छा करें। ज़्यादा लोगों के लिए समय ना निकालें, खुद के लिए भी समय निकालें, खुद को भी प्रायोरिटी दें, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने मत दे दोस्तों। तो दोस्तों, जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो वो आप खुद के लिए भी करो, खुद को प्रायोरिटी दो और खुद को भी, खुद की भी इज्जत करो। उन लोगों को ज़्यादा उम्मीदें मत पालने दो और उनकी सारी विशेष को पूरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। राधे राधे दोस्तों।